कमेटी में अकाली दल के दिल्ली के उपाध्यक्ष कल्याण सिंह बाठ ने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह जी के पर घपला करने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने रूपनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा खुलासा किया है। पेश है रिपोर्ट। उत्थे उन्होंने गुरु की संगत के नाल विश्वासघात किया कि संगत के वलों दिते गए हुए सहयोग, चाहे वह वर्दियों के वास्ते पैसा दिता गया हो, चाहे वह किसी NRI वालों $1,00,000 जिहड़ा दिल्ली कमेटी को भेजा हो एजुकेशन वास्ते, चाहे वह किताबों की छपाई का मामला हो, सारे जिहड़े स्कैम किए उन्होंने एक साजिश के तहत किए। और मैं समझदा कि इस तो पहला किसी प्रधान वालों इस तरीके की घटिया जिहड़ी है हरकत नहीं की गई जो सरदार मनजीत सिंह जीके ने की। मनजीत सिंह जीके को बराबर मौका दिता गया कि वह अपना पक्ष जिहड़ा पार्टी के रखन, संगत के रखन, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहना कि मैं वक्त आने दसांगा वक्त आने दसांगा, इस करके मनजीत सिंह जीके को पार्टी की कोर कमेटी ने पार्टी तो बाहर क्ढण का जो रुख है वह अपनाया। मनजीत सिंह जीके ने बादलों के खिलाफ कदों बयान दिते है मैं इस गल जाना नहीं चाहता। मनजीत सिंह जीके ने एक दो बयान वह भी बड़े क्लीयर नहीं आ पिछले दिनों देखने को मिले, लेकिन मनजीत सिंह जीके जिन्या गल्लां कर रहा, मनजीत सिंह जीके को पूछा जाए प्रेस वालों कि जदों वह गल कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह की माफ़ी की, तो उदों अपने साथियों लैके जथेदार अकाल तख्त सरदार गुरबचन सिंह जी को की करन गए सी, धनवाद करन गए सी उन्हां दा, तो उन्होंने सवाल खड़े करते हैं आपां कि अज वो संगत को केवल तो केवल गुमराह कर रहे हैं जबकि वह खुद ये इनवॉल्व रहे हैं। अज जिन्ना मर्जी मनजीत सिंह जी के झूठ बोल लवे संगत उन्होंने कदे माफ़ नहीं करेगी।